Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, in the last lecture, we have been talking about the structure of nucleus and their diagrammatical representation. And आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे उसके जो components हैं nucleus के अंदर जो पाए जाते हैं उनके बारे में. तो अपने पास में जो आज पहला component पाया जाएगा वो पहला component अपने पास में है nuclear membrane. कौन सा है? Nuclear membrane. तो nuclear membrane के आज अपन बात करेंगे. Nuclear membrane का आप लोगों को शायद बताया था दो membranes होती हैं इसके अंदर, outer membrane and inner membrane. और दोनों के अगर साइज की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम की होती है और इनर मेम्ब्रेन भी 75 एंगस्ट्रॉम की होती है. इन दोनों बीच में क्या पाया जाता है? पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है जिसके अंदर पेरी न्यूक्लियर फ्यूल भी भरा हुआ रहता है. जो अगर उसके डायमीटर की अपन बात करें तो उसके अंदर जो स्पेस जो होता है वो कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉम का होता है. ठीक है. और इसी के साथ साथ जो आज अपन बात करेंगे वो हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में भी. और ये भी बात करेंगे कि न्यूक्लियर आपकी जो न्यूक्लियर एनवलप है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके बीच में क्या पाए जाते हैं? पोर्स पाए जाते हैं. उन पोर्स के बारे में अपन आज बात करेंगे. तो हमने कल आप लोगों को चीज बताई थी, वो बताई थी एन्यूल्स. ठीक है. तो एन्यूल्स की जो हमने बात की थी वो बताया था कि भाई पोर्स के अंदर एन्यूल्स पाए जाते हैं. एक्चुअली ये ऐसी व्यवस्था है कि इसे मान लीजिए कि ये अपने पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ये पोर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं. ठीक है. इस पोर की अगर अपन बात करें तो इस पोर को चारों तरफ से ऐसे, ठीक है, उसको जो घेरे रखती है वो रखती है एन्यूल्स. क्या? एन्यूल्स उसको चारों तरफ से घेरे हुए रखती हैं. ठीक है. अब ये एन्यूल्स उसको चारों तरफ से घेरे हुए रखती हैं, साथ ही क्या बनाती हैं? ऑक्टागोनल शेप के अंदर घेरे हुए रखती हैं. देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे मैं आपको समझाऊं उस चीज को कि ऐसा इसलिए है पोर के अंदर कि ये मेम्ब्रेन है आपकी और यहाँ पर ये एन्यूल्स आ गई आपकी. ठीक है. इस एन्यूल्स के अंदर क्या है, यहाँ पर पोर तो हो ही है, ये इसके अंदर 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती है. ठीक है. अब जब ये 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होंगी तो ऑक्टागोनल शेप बनाएंगे नहीं बनाएंगी? बनाएंगे ना. तो इस तरह से क्या हो गया, आज अपन इसके बारे में बात करेंगे और हम बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में भी और इन सब के बारे में अपन बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सो यहाँ पर अपने पास में किसकी स्ट्रक्चर है, अपन बात करें न्यूक्लियर पोर के बारे में. तो आप लोगों को पता है कि इंटरफेस की अगर अपन बात करें, किसकी? इंटरफेस के अंदर अपने को जो सेल ऑर्गेनल्स जो अपने पास में न्यूक्लियस है उसके सभी जो कंपोनेंट्स है वो अपने को आसानी से दिखाई देते हैं. देखिए कि इन इंटरफेस फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियस क्लियरली अपीयर्स. भाई क्लियरली अपीयर्स कैसे होंगे, कौन कौन से पार्ट्स होंगे इंटरफेस के अंदर? ये होंगे, एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन नेटवर्क, चौथा न्यूक्लियस, पांचवा एंडोसोम. मतलब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर इन पांचों को ही क्या करेंगे, इनकी स्टडी अपने करेंगे. तो पहले स्टार्ट करते हैं अपन किसके बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर अपन बात करें तो होगा क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, आप लोगों को पता है कि सभी यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको अपन कैरियोथीका, ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको अपन? कैरियोथीका बोल सकते हैं या फिर क्या बोल सकते हैं इसको अपन? न्यूक्लियर एनवेलप भी बोल सकते हैं. न्यूक्लियर एनवेलप, कैरियोथीका और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सभी इसी के नाम होते हैं. नेक्स्ट, अगर बात करें मेडअप ऑफ टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है? इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम की, इनर मेम्ब्रेन 75 एंगस्ट्रॉम की, दोनों बीच में कौन सा पेरी न्यूक्लियर स्पेस पाया जाता है जो कितने एंगस्ट्रॉम का होता है? 150 एंगस्ट्रॉम का होता है. नेक्स्ट है, आउटर मेम्ब्रेन कंसिस्ट राइबोसोम बिकॉज इट इज अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए कि जो बाहर की मेम्ब्रेन है भाई, ऐसे मान लीजिए ये अंदर की मेम्ब्रेन है, ये बाहर की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं. क्यों होते हैं राइबोसोम? क्योंकि आपको ये पता है, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए रहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए रहते हैं. और कौन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है और वो राइबोसोम अगर इससे कनेक्टेड रहेंगे तो इसके आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या आ जाएंगे? राइबोसोम हो जाएंगे. ठीक है. तो ये बात समझ में आ गई. अंदर मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, है ना, उसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं. इट मींस इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो इसका मतलब कैसी मेम्ब्रेन है? स्मूथ मेम्ब्रेन भी है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज इन डिसकंटीन्यूअस फॉर्म एंड हैविंग सम पोर्स ऑन इट नोन एज न्यूक्लियर पोर. देखिए कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कल अपन ने डायग्राम बनाया था वो अपन ने इस तरह से बनाया था. ठीक है. तो ये पूरी की पूरी एक साथ कंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर ना होकर के डिसकंटीन्यूअस फॉर्म के अंदर होती है. तो इसके ऊपर क्या रहते हैं? हैविंग सम पोर्स ऑन इट, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ ना कुछ पोर्स इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं. साइज ऑफ न्यूक्लियर पोर इज अबाउट 300 to 1000 एंगस्ट्रॉम. जो साइज है न्यूक्लियर पोर का वो कितना होगा? 300 से लेकर 1000 एंगस्ट्रॉम तक का इसका साइज हो सकता है. देखिए
आगे जो बात कर रहे हैं पर किसकी बारे में कि न्यूक्लियर कोर कंसिस्ट 20-30% पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का 20-30% पार्ट तो न्यूक्लियर कोर के रूप में होता है। इट मींस कि वो जगह कैसी होती है, खाली होती है। ये बात क्लियर है, खाली जगह होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर कोर सराउंड्स बाय ए सर्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड एन्यूल्स। न्यूक्लियर कोर क्या होता है कि चारों तरफ से एक स्ट्रक्चर के द्वारा, देखिए कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर कोर चारों तरफ से, ये चारों तरफ से क्या होगा, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर के द्वारा क्या होता है, सराउंड होता है। ठीक है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, एन्यूल्स बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के क्या, कि ये जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है बनी हुई, इसको अपन क्या बोलते हैं, एन्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था ये। अब देखिए कि इस एन्यूल की बात करें अपन, तो इस एन्यूल के पास में क्या पाई जाती हैं, 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। इट मींस कि अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ एक बार के लिए, इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि हमने क्या बोला कि यहाँ पे एन्यूल्स होती हैं आपके पास में, तो न्यूक्लियर कोर के अंदर क्या पाई जाती है, एन्यूल्स पाई जाती है, ये आपकी एन्यूल्स हो गई। ठीक है, इस एन्यूल के अंदर 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स हो गई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और बीच में क्या होता है, प्लग होता है और इससे स्पोक्स निकले हुए रहते हैं इस तरह से, तो ये देखिए, और ये जब इसको अपन ऐसे जोड़ेंगे तो ये आपकी ऑक्टागोनल शेप बना देगी। क्या बना देगी, ऑक्टागोनल शेप, ये क्या कर देगी यहाँ पर बना देगी, क्योंकि इन सभी को अपन जोड़ेंगे तो ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर आपको दिखाई देगी। तो इसका मतलब न्यूक्लियर कोर की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियर कोर के चारों तरफ क्या होती है, एन्यूल्स होती हैं, और वो एन्यूल्स के अंदर 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं, और वो ऑक्टागोनल मैनर के अंदर अरेंज होती हैं। किसके अंदर, ऑक्टागोनल मैनर के अंदर अरेंज होती हैं। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि इस 8 माइक्रो ट्यूब्यूल्स के कारण क्या होती है, ऑक्टागोनल शेप आपको दिखाई देती है। इसकी भी स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बनाऊंगा, आगे दिखाऊंगा कैसी बनेगी इसकी स्ट्रक्चर, ये भी आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे अपन। तो अब बात आती है पोर कॉम्प्लेक्स की, कि पोर कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पोर कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो पोर कॉम्प्लेक्स होते हैं एन्यूल्स प्लस न्यूक्लियर पोर। एन्यूल्स हैं, एन्यूल्स आपको समझ में आ गया, भाई न्यूक्लियर पोर के चारों तरफ जो सर्कुलर मैनर है उसको एन्यूल बोलते हैं, प्लस न्यूक्लियर पोर, और उस एन्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियर पोर है, मतलब ये एन्यूल हो गया और ये क्या हो गया आपका, न्यूक्लियर पोर हो गया। अगर मैं इस ओवरऑल की बात करूं एन्यूल प्लस को और एन्यूल प्लस न्यूक्लियर पोर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा पोर कॉम्प्लेक्स। ये बात क्लियर है, पोर कॉम्प्लेक्स से कहेंगे क्लियर हो गया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लस एन्यूल एक साथ क्या कहलाता है, पोर कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्लियर, नेक्स्ट ये है द मिड पार्ट ऑफ एन्यूल्स इज न्यूक्लियर कोर। अब देखिए अपन ने बात की थी किसके बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखिए सेल मेम्ब्रेन के पास में ये सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर अपन ने आप लोगों को बताया था यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियर कोर को चारों तरफ से जो सराउंड रखता है, ये न्यूक्लियर कोर है, इसको चारों तरफ से सराउंड रखता है कौन, इसको रखती है सराउंड एन्यूल्स। क्या रखती है, एन्यूल्स सराउंड रखती है। द मिड पार्ट ऑफ एन्यूल इज न्यूक्लियर कोर, तो ऑब्वियसली कि न्यूक्लियर कोर को जब चारों तरफ से सराउंड एन्यूल ने कर रखा है तो इसका मिड पार्ट क्या हो गया, न्यूक्लियर कोर हो गया। भाई क्यों, क्योंकि इसको चारों तरफ से किसने सराउंड कर रखा है, एन्यूल ने सराउंड कर रखा है, तो ऑब्वियसली मिड पार्ट आपका क्या कहला रहा है, न्यूक्लियर कोर कहला रहा है। नेक्स्ट, द अपर पार्ट ऑफ एन्यूल इज कॉल्ड प्लग व्हिच कंसिस्ट स्पोक्स। अब देखिए कि इसका, जैसे मान लीजिए कि एन्यूल ही है, इस एन्यूल का मिड पार्ट ये हो गया, ये वाला मिड पार्ट होगा इसका एन्यूल का, तो ये जो मिड और अपर पार्ट है ये वाला, जिसको देखिए इसको ऐसे समझना है अपने को, ये 3D स्ट्रक्चर है क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म के अंदर ऐसे दिखाई दे रही है, तो इसका अपर पार्ट मतलब इसको अपन ऊपर से देखेंगे ये वाला पार्ट, तो ये अपर पार्ट क्या कहलाएगा इसका, प्लग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्लग। देखिए यहाँ पे अपन इसको शो भी कर रखा है, ये प्लग है, इधर ये वाला प्लग पार्ट हो गया, क्योंकि ये अपर साइड से बात कर रहे हैं अपन, ये क्या है इसकी अपर साइड है, जब उसको अपन ऊपर से देखेंगे तो अपर पार्ट का क्या कहलाएगा, प्लग कहलाएगा। विच कंसिस्ट स्पोक्स, ये प्लग पार्ट क्या रखता है, इसके साथ में स्पोक्स से जुड़ा हुआ रहता है, जो यहाँ पे दिखा रखा है अपन ने, देखिए ये स्पोक्स है आपकी, ये क्या है यहाँ पर, ये स्पोक्स है जो किससे निकले हुए हैं, प्लग से निकले हुए हैं, और कहां तक जा रहे हैं, प्लग से निकले हुए स्पोक्स हैं और जा रहे कहां तक हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स तक ये जा रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है माइक्रो ट्यूब्यूल्स, शॉर्ट के अंदर लिख दिया एमटी, तो ये क्या हो गया, माइक्रो ट्यूब्यूल्स हो गई। प्लग से स्पोक्स निकल रहे हैं, प्लग क्या है, एन्यूल का अपर पार्ट है। नेक्स्ट, स्पोक्स आर अटैच्ड माइक्रो ट्यूब्यूल्स व्हिच मेक ए पोर कॉम्प्लेक्स।
अब ये स्पोक्स हैं, ये अगर अपन स्पोक्स की बात करें तो ये माइक्रोट्यूबुल से जुड़े हुए हैं और माइक्रोट्यूबुल से जुड़ने के कारण भाई एन्यूल प्लस न्यूक्लियर कोर मिलकर के क्या बना रहे हैं, कोर कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। तो ये एन्यूल का जो पार्ट है इसके अंदर ही कहीं ना कहीं क्या है, न्यूक्लियर कोर है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, आपका कोर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। इसी पोर कॉम्प्लेक्स के अंदर से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी चीजों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सब्सटेंस का, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है आसानी से हो पाता है। नेक्स्ट, विद द हेल्प ऑफ पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन आरएनए साइटोप्लाज्म आर डूइंग सम मूवमेंट। और इसी पोर कॉम्प्लेक्स की सहायता से क्या होते हैं कि जो भी अपने पास है प्रोटीन है आरएनए है वो एक दूसरे के अंदर क्या हो सकता है, उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट या वो अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई किसके बारे में, इसके बारे में इसके स्ट्रक्चर को समझिए कि अपने पास में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियर कोर है, ठीक है। उस न्यूक्लियर कोर को चारों तरफ से घेरे हुआ है किसने, एन्यूल ने। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई, एन्यूल की स्ट्रक्चर हो गई। तो अब देखिए यहां पर बीच में क्या आ गया, ये प्लग आ गया उसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो कि इसका मिड पार्ट है अपर पार्ट है, और उसको चारों तरफ से किसने घेर रखा है, माइक्रोट्यूबुल्स ने क्या कर रखा है, इसको चारों तरफ से घेर रखा है। तो इसको अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो अपने कैसे दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। इसमें क्या है, वही प्लग है, यहाँ पे स्पोक्स नहीं दिया, अपने स्पोक्स बना दिए, 8 माइक्रोट्यूबुल्स को इस तरह से दिखा दिया, चारों तरफ से जुड़ी हुई है सारी माइक्रोट्यूबुल्स। तो ये एक्चुअल के अंदर अगर अपन न्यूक्लियर कोर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो न्यूक्लियर कोर की स्ट्रक्चर अपने को ऐसे दिखाई देगी, क्लियर है। तो ये बात हो गई इसके बारे में, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। अब बात करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में। तो नेक्स्ट अपने पास में है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप के फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो अपने पास में उसके फंक्शंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो देखिए कि पहला फंक्शन तो है By these pores, the genetic material is isolated from cytoplasm. अगर इस membrane की बात करें और इस pores की सहायता से बात करें अपन, तो इस membrane की सहायता से होगा क्या कि जो आपके parts में जो आपका DNA है, genetic material है, वो cytoplasm से क्या होता है, अलग differentiate रहता है। Means कि cytoplasm के अंदर present DNA अलग होता है और इधर जो है nucleus के अंदर present DNA वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब दोनों क्या होंगे, isolated रहेंगे, ऐसा नहीं है दोनों मिक्स रहेंगे। जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है डीएनए वो अलग ही रहेगा, वो इसके अंदर आकर के मिक्स नहीं होगा। और वो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है ना, तो यहां पर बाय दिस पोर्स, या हम ये कह सकते हैं बाय दिस मेम्ब्रेन में हम ये क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि इसकी सहायता से ऐसा होगा कि जो आपका साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए है वो अलग तरीके से सेपरेटेड रहेगा और इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट डीएनए क्या होगा, वो अलग सेपरेट रहेगा, दोनों इंटरमिक्स नहीं होंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मेनी सब्सटेंस बाय द सिलेक्टिव परमियबिलिटी मेथड। देखिए कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको क्या करना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम करना होता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो सिलेक्टिव परमियबल मेथड से होगा। इट मींस सिलेक्टिव परमियबल मेथड का मतलब हो गया कि जो सेल चाहेगी वही, मतलब जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन चाहेगी वही पार्ट क्या होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट हो सकता है सिलेक्टिव मेथड से। ऐसा नहीं है कोई भी पार्ट जो अननेसेसरी है वो भी इसके अंदर आ जाए, अनवांटेड नहीं आएगा, जो ये चाहेंगे उसको सिलेक्ट करके उनका ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाएगा। नेक्स्ट, मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड कैरियोप्लाज्म। किसका डिफरेंस बिटवीन, मेंटेन द डिफरेंस बिटवीन किसके, कैरियोप्लाज्म और किसका, पीएच का। किसका डिफरेंस है, पीएच की वैल्यू का डिफरेंस क्या करते हैं, बना करके रखते हैं। जो डिफरेंस है साइटोप्लाज्म की पीएच के बीच में और कैरियोप्लाज्म की पीएच के बीच में जो डिफरेंस है उसको बनाने का काम भी ये करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट राइबोसोम, दैट्स व्हाई दे हैव इन प्लेस स्पेसिफिक रोल इन प्रोटीन्स इन द लिपिड। अब आपको पता है कि आउटर मेम्ब्रेन के पास में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जब आउटर मेम्ब्रेन के पास में राइबोसोम पाए जाएंगे तो ये स्पेसिफिक रोल प्ले करेंगे किसके अंदर, ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ये स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं, क्लियर। तो किसके पास में क्या रहते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आपको पता है राइबोसोम क्या होती है, प्रोटीन फैक्ट्री होती है। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैन ट्रांसपोर्ट एनी सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू सेल नीड और इंपोर्टेंस। देखिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी भी सेल की नीड के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। देखिए क्योंकि कई बार सेल की आवश्यकता होती है, साइटोप्लाज्म किसी चीज की जरूरत होती है, तो वो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है किसी सहायता से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। भाई जो सेल को अगर कोई चीज की जरूरत होती है तो क्योंकि सेल भी काफी सारे एंजाइम्स रखती है, मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी क्या है, काफी सारे एंजाइम्स रखती है, और जरूरत पड़ने पर वो क्या करती है,
कोई भी चीज जिस चीज की भी आवश्यकता होती है उसको कैब प्रोवाइड करवाने का काम करती है। नेक्स्ट, टेक पार्टिसिपेशन इन फॉर्मेशन ऑफ सम केमिकल्स एंड एंजाइम। देखिए क्योंकि उसके पास में क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स और केमिकल, क्योंकि वो भी क्या रखती है अपने पास में, ऐसे केमिकल्स रखती है, ऐसे एंजाइम रखती है जिसकी सहायता से वो कुछ केमिकल का सीक्रेशन कर सकती है जो कि सेल के लिए क्या है, जरूरी हो जाते हैं। क्लियर। तो ये थे इसके फंक्शंस के बारे में कि फंक्शंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। तो अब जो नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो बात करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, तो ये बात जो ओपन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।